प्रिय भक्तों, हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। अगर आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा संकटों से घिरे हुए हैं और चारों ओर से नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, आपके अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हनुमान जी को खुश करने के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो आप बड़े से बड़े रोग और संकट से दूर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय बजरंग बली लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। प्रतिदिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, वो भी एक ही जगह बैठकर। प्रतिदिन हमें हनुमान जी के समक्ष तीन कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में चमेली का तेल अवश्य डालें। जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चोला चढ़ाए। चोले में लंगोट, सिंदूर, जनेऊ, तुलसी की माला, ध्वजा, चमेली का तेल, लाल फूल आदि सामग्री अवश्य होने चाहिए। ओम श्री हनुमते नमः का प्रतिदिन 108 बार जप हमें अवश्य करना चाहिए, या फिर साबर मंत्र को सिद्ध करें। प्रतिदिन श्री राम के नाम का विधिवत जाप करें। महीने में एक बार सुंदरकांड और बजरंग बाट का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी को मंगलवार, शनिवार या फिर हनुमान जयंती पर पंचमेवा, केसरिया बूंदी लड्डू, इमरती बेसन के लड्डू, चूरमा, रोट, मालपुआ या मलाई मिश्री के लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाएं। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर विधिवत रूप से हनुमान जी की पूजा करें। यदि आप घोर कर्ण संकट से घिरे हैं या आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो आप मांस, मदिरा और सभी तरह के व्यसन त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा या उनके मंत्र या फिर उनके नाम का जप करना चाहिए। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माता की पूजा आपको अच्छे से करनी चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कि महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आप अपने जीवन में घोर संकट या फिर ऐसा कोई काम जिसे करने में आपका बस नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का पीड़ा अर्पित करें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए अपना मनचाहा वरदान। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया जाता है। यह मंगल का भी उपाय है, इससे मंगल दोष भी खत्म होता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने में असमर्थ है, तो फिर आप सिर्फ गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर ही हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं दूर होगी।